हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत तरीके से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस रेसिपी में मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ब्लैक तिल का। ब्लैक और वाइट तिल दोनों को मिक्स करके आज मैं ब्लैक और वाइट तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो आइए मैं आपको ब्लैक तिल के बेनिफिट्स बता दूँ। ब्लैक तिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, ये आपकी स्किन हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, या इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये आपके हेयर प्रॉब्लम्स से भी जल्दी छुटकारा दिलाएगा आपको, और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और वाइट तिल का तो आप लोग जानते हैं, ये कैल्शियम से भरा पड़ा है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है इसमें, और भी इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इन दोनों को लेकर हमें रोस्ट कर लेना अच्छे से, ज़्यादा नहीं, हार्डली 4 to 3 minutes रोस्ट कर लेना। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें मैंने ऐड कर लिया है गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गुड़ लार्ज अमाउंट में नहीं लेना है, जितना हम लोगों ने वो लिया है उतना ही हम लोग को गुड़ लेना है। गुड़ को लेकर हम लोग अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट कर लेने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग घी। गुड़ जो होता है, गुड़ के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। गुड़ गर्म होता है, तो हमें विंटर के मौसम में चाहिए कि गुड़ का हम लोग ज़रूर से यूज़ करें। दिन में एक आध बार तो हम लोग को यूज़ करना ही चाहिए, गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे गुड़ हो चुका है मेल्ट, अब इसमें ऐड कर ले रहे हैं घी। घी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे घी को भी। उसके बाद अब इसमें बबल्स जब आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग दोनों ब्लैक और वाइट तिल दोनों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे का जो प्रोसेस है हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि मिक्स कर लेने के बाद हमें जल्दी से फ्लेम को ऑफ करना रहता है और जल्दी जल्दी लड्डू बनाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप लोग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर ये जो है हमारा जो बैटर रेडी हो रहा है लड्डू का, वो जो है सूखने लगेगा और लड्डू सही से बन नहीं पाएगा। जब तक ये नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, गर्म रहेगा, तभी तक अच्छे से लड्डू बन पाएगा, नहीं तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। फिर से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, फिर से मेल्ट करना पड़ेगा गुड़ को। इसीलिए कह रहे हैं, अगर आपके घर में और लोग हैं तो उनको बुला लें जल्दी से, और उनकी हेल्प से आप लोग जल्दी जल्दी से लड्डू बना लें। ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ केयरफुली बनाएं। मैंने तो एक बाउल में थोड़ा सा वाटर ले लिया था, वाटर को हाथ में मैं लगाती गई, उसके बाद फिर लड्डू बनाती गई, और बहुत ही इजी वे में अच्छे से मेरा लड्डू तैयार हो गया था। अगर आपको लगे कि अभी इसे थोड़ा गुड़ को और सूखने की ज़रूरत है, ज़्यादा अगर अभी लगे कि थिक है, तो उसे आप लोग थोड़ा देर और फ्लेम पे ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया वाटर, हाथ पे मैंने वाटर ग्रीस किया। चाहें तो आप लोग घी भी ग्रीस कर सकते हैं, बट यहाँ पे गर्म है इसलिए मैं वाटर का यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्म है गाइस, आप लोग प्लीज़ केयरफुली ही ट्रीट करें। तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है और जल्दी जल्दी से हमें लड्डू बना लेना है। ये मैंने वाइट तिल वाले जो लड्डू बनाए थे, ये उससे भी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। मैंने वाइट तिल के भी लड्डू बनाए, आप लोग वो वीडियो मेरा जाके ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेसिपी है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। मेनली रीज़न है कि ये लोग बहुत ईजी रेसिपी है, हार्ड रेसिपी नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैंने पेपर यूज़ किया था, तो इससे और भी अच्छा लुक आ रहा था। गाइस, अगर आप लोग को इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।